आधार दी फाउंडेशन की तरफ से नारी शक्ति अवार्ड का आयोजन बखूबी किया गया लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में। इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ इसके प्रधान रविनंदन शर्मा की अध्यक्षता में, जिसमें लुधियाना की अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाने वाली और सेवाएं देने वाली नारियों को सम्मानित किया गया। आपके बीच में से निकल कर सारे यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं श्रीमती एनी सिक्का जी को मंच पर सम्मानित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मित्तल सर। एंड नेक्स्ट अवार्ड गोज टू सना चंडोक सोरदार तालियों के बीच में। हालांकि वो हमारे एडवाइजर भी हैं 8 को, लेकिन उन्होंने 7 के हमारे शो ये जस्ट कर चुकी हैं। सना चंडोक देखिए आज वर्क की कमी के कारण ना उनको सुन नहीं पाएगी। सुमित कोटिया जी आदाब प्रदर्शन की तरफ तो वोमन समानता का जिला प्रमुख चल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था है, उसकी आप चेयरपर्सन चुनी गई हैं, जो कि पिछले मिसेस सोनिया जी की ओर से मिसेस सोनिया जी कर रही हैं। मिसेस सोनिया जी जोरदार तालियों के साथ सोनिया चौक जी जोरदार तालियां इनके लिए। यूं ही बसती रहनी चाहिए नीरू वर्मा जी। और लगी गाली तेरे लिए जोरदार तालियों के बीच में मिथु खोसला जी के लिए जोरदार तालियां जरूर लगाएं। ये मंच पर आए, इन्होंने अपनी मेहनत की, अब उनकी सारे अवार्ड्स भी जीत किए हैं ब्राइडल मेकअप में, और बेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन पंजाब का अवार्ड ये हासिल कर चुकी हैं, और ये दुबई से और लुधियाना से सर्टिफाइड हैं। मिस मान जोरदार सर कोच को मैं मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया कि करियर चुन सकूं या कुछ कर सकूं, मेरा साथ दिया उसमें आके सरवाइव करना ना, ये एक लेडी के लिए भी अलग बात है। और जब मेरी बेटी की बारी आई तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर जाती तो शायद एक दो साल में इसको और पढ़ा के सेट करके इसकी शादी कर देती। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। 33% ले लेंगे, 40% ले लेंगे, 50% ले लेंगे। लेडीज़ क्या करती हैं, इक्वालिटी या रिजर्वेशन से हम लोग चाहे टीचर्स हैं इंजीनियर्स हैं खुद कोई भी हैं हम लोग नौकरी ले लेते हैं। जब ड्यूटी करने की बारी आती है फिर कह देते हैं सानू घर संभालना प्लीज साड़ी ड्यूटी कटवा दो। मेरे साथ ये रोज होता है। कोई भी ड्यूटी इक्वालिटी मांगो, अगर रिजर्वेशन लेके आप लोग समझ के बैठे प्यार मिले नू तू
जमाना हमारा हर अदा है। शाजिया सेठी जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ बहुत ही खुशी की बात है कि मंच पर ही उपस्थित आदरणीय श्रीमती रुमानी आहूजा, प्लीज एजुकेशनिस्ट हैं। वहां पर आपने 2001 से लेकर के 2006 तक आपने अपनी सर्विसेज दी। को फाउंडर ऑफ एंड कंसल्टेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ डोगरा डेंटल एंड। क्योंकि ये काम कोई कर नहीं सकता, ये भगवान की कृपा है और आप सबका सहयोग है, धन्यवाद। बहुत अच्छा नेक कार्य है, परमात्मा इसी तरह करवाता रहे। और जो भी लुधियाना शहर को जानते हैं, लुधियाना शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा हो, गोविंद गोधाम हो, अब ये जगन्नाथ फूड फॉर लाइफ, तो परमात्मा किसी न किसी को जरिया बनाता है, किसी भूखे के पेट तक अन्न पहुंचाने के लिए हिम्मत सारी टीम की, और इसी तरह परमात्मा मेहर बनाए रखे और ये ऐसे नेक कार्य करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अधारदा फाउंडेशन की ओर से जो महिला शक्ति को आज यहाँ पे सम्मानित करने का एक कार्यक्रम चल रहा है श्री गुरु नानक भवन में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आज के युग के संदर्भ में, आज के काल के संदर्भ में महिलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और हमें उनकी सेवाओं को पहचानना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको उसके लिए सम्मानित करना है। रविनंदन शर्मा जी, राजन शर्मा जी और जो उनकी तमाम टीम जो है ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, मैं समूची टीम को बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो समाज के लिए एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे महिला शक्ति को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे कार्य करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं विद्या मैदान, आज आधार फाउंडेशन तरफों विमेन अचीवर अवार्ड्स का उपराला किया गया है, जिसे सारी फीमेल जी डिजर्विंग सी उन्होंने वक् वक् उन्हों की फील्ड के नवाजा गया है और सम्मानित किया गया है। रविनंदन शर्मा जी और राजन शर्मा जी ने बहुत ही वधिया उपराला शुरू किया है, तो मैं चाहवागी कि इदा ही फीमेल्स अपने अपने क्षेत्र से जी काम कर रही हैं वधिया वो अगे आन और एक मिसाल कायम करन। थैंक यू सो मच। अज असी इतने सारे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आधार फाउंडेशन जिन्होंने अज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स तो सारिया लेडीज़ में इतने बुला के उन्हों का सम्मान किया, जिहड़ा कि एक बहुत ही अच्छा लगा, तो एक दूसरे वास्ते एक बहुत वड्डी इंस्पीरेशन सी कि वह भी उन्होंने वाल देख के अगों दूसरे जरूरतमंदा की वक अपने जो भी कर सकते हैं उन्होंने मदद करन। थैंक यू। मैं मीनाक्षी छाबड़ा, एक फैशन डिजाइनर, आज यहाँ आधार फाउंडेशन की तरफ से रविनंदन शर्मा जी ने और राजन शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे बहुत अच्छा अचीवर अवार्ड्स का सेरेमनी हो रही है, जिसमें मैं नीरू वर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, हमें अपने सोशल वर्क के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। हम बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं अपने आप में और बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है कि लोग कैसे अपने अपने फील्ड में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं देश सेवा का, समाज सेवा का। और इसकी सबसे जीती जागती उदाहरण तो हमारे सामने ही खड़े हैं सुखमिंदर जी, जो कि हमेशा ही ऐसे कामों को तत्पर रहते हैं। वी आर ब्लेस्ड कि हम एसोसिएटेड हैं। थैंक यू जी। हाय, आई एम डॉक्टर अंजू सिंगला फ्रॉम सिंगला स्लिमी क्लिनिक। आधार फाउंडेशन एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है, ये लेडीज़ के लिए बहुत ही नेक और अच्छा काम कर रही है, ये बहुत ही भलाई का काम कर रही है। मैं इससे बहुत ही अप्रिशिएट हुई हूँ और मैं इसको बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने मेरे को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। थैंक यू। नाम आरती है, मैं फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। यहाँ गुरु नानक देव भवन में आधार फाउंडेशन की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुझे ऑनर करा है। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन आर द ब्यूटिफुल क्रिएशन बाय गॉड, एंड ये उनको इन्हेंस कर रहे हैं, उसको और निखार रहे हैं। और ये अवार्ड इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज जो अचीव कर रहे हैं लाइफ में हम और ज़्यादा मोटिवेट हों, और जो अचीव करना चाहते हैं वो और मोटिवेट हों। तो आई लाइक दिस वेरी मच एंड मेरी विशेज इनके साथ हैं। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एग्जीबिशन डिस्प्ले करी है और बहुत सारी जजमेंट करी है एंड बहुत सारे शोज़ में किया है गेस्ट ऑफ ऑनर। पर एक चीज़ मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो लाइफ में,
एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो हम सक्सेसफुल हैं। दैट्स इट। अगर बॉलीवुड में डायरेक्शन का नाम लिया जाता है तो दर्शन औलख जी का नाम बहुत बड़े बड़े सितारे, यहाँ तक कि सलमान खान और आमिर खान भी बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ लेते हैं। और आज वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों के लिए सौभाग्य की बात है कि दर्शन औलख जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है आज के प्रोग्राम में? सर, बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम है। मैं कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर शहर में होने चाहिए। नारी जाति का जो सम्मान किया है इन्होंने, मैं उसके लिए आभारी हूँ इनकी पूरी टीम का। और ऐसा काम इन्होंने किया है कि मेरा दिल होता ना गदगद हो गया देख के। इन्होंने मुझे भी बुलाया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपका, आपने मेरी इतनी तारीफ की है, तो मैं तो एक अभी समझता हूँ कि मैं सीखता ही रहता हूँ सारी ज़िंदगी। तो थैंक यू सो मच, सबका थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। पिछली बार जब हमारी टीम पहुँची शेखर सुमन की इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहाँ पे लुधियाना की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उनकी इंटरव्यू कर रही थी, और आज उसी खूबसूरत लड़की को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। मेरे साथ है किरणप्रीत कौर जी, जो लुधियाना लाइव की बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार एंकर भी हैं, और आज यहाँ पर एक अवार्ड भी इनको मिला है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अक्सर लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हमारे हुनर को जब नवाजा जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय पहले तो फैमिली को, जिन्होंने मुझे हेल्प की कि हाँ मैं अपने सपनों को अचीव करूँ। देन लुधियाना लाइव के CEO मिस्टर कंवल छाबड़ा सर, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मैं जो भी करना चाहती हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। तो हमेशा मेरी सफलता का श्रेय कंवल छाबड़ा सर को रहेगा। देखिए, कंवल जी का तो जवाब ही नहीं, जितने खूबसूरत हैं उतने सोने के दिल के हैं, और उतना बढ़िया लुधियाना लाइव को चला रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा ये जो प्रयास है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने जो यहाँ पे लेडीज़ को, हम जैसी लेडीज़ को जो अपना घर और अपना बखूबी अपना कारोबार सब देखती हैं, उनको ऑनर किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। आई वुड लाइक टू से इन माई स्मॉल वर्डिंग्स, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझ पर वारी है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम पायल है। आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है आधार फाउंडेशन की तरफ से। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू आधार फाउंडेशन, रविनंदन जी, राजन जी एंड एवरीबडी हु इज़ अटैच टू दिस फाउंडेशन। और नारी के लिए कुछ यही कहूँगी, इस अवार्ड सेरेमनी में मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए, एंड ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। व्हेन वी फेस आवर फेयर्स, वी रियली कम थ्रू वेरी वेल। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो एवरीवन एंड सशिका, माय नेम सुनैना सचदेवा, एंड आज मैं आधार फाउंडेशन वोमेन अचीव अवार्ड ते आई हाँ, तो मैं बहुत अच्छा और ब्लेस्ड फील कर रही हाँ कि इतने एक लेडीज़ की रिस्पैक्ट दी जाती है, साड़ी अपनी एक आइडेंटिटी शो हो रही है कि जो असी लाइफ में अचीव किया वो सब दे अगे दसिया जा रहा है। और मैं थैंक्स कर दी हाँ जिन्होंने साड़े लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। इनका अपना स्टूडियो है जहाँ ये बच्चों को डांस वगैरह सिखाती हैं, और ग्रैंड और ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस एशिया यूनिवर्स 2018, जो भी पिछले मंथ हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ डांस इंस्पिरेशन डांस स्टूडियो में। आज यहाँ पे मुझे आधार फाउंडेशन NGO ने फेलिसिटेट किया है वुमेन अचीवर्स अवार्ड से। मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू मुझे ये ऑनर करने के लिए। जी सत श्रीकाल सरानू, मैं एडवोकेट मनजीत, मुझे आज वुमेन आधार फाउंडेशन की तरफ से वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मुझे ये अपनी अचीवमेंट्स के लिए, जैसे जो लेडीज़ अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट ले कर चुकी हैं, उनको ये सभी को अवार्ड्स मिला है, और मुझे ये मिला है मेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट कराटे, NCCC सर्टिफिकेट होल्डर, NSS एंड मैं फिटनेस एंड गोल्फ के काफ़ी कंपटीशन जीत चुकी हूँ और काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मनीषा टपारिया, वार्ड नंबर 19 से काउंसलर हूँ।
आज आधार फाउंडेशन की तरफ से विमेन अचीवर अवार्ड का जो एक फंक्शन रखा गया था उसमें मैं इनवाइटेड थी और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मानित किया है। और आधार फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो फीमेल पीटी साइड के लिए काम कर रही है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैम एंड ऑल द बेस्ट विशेज टू द आधार फाउंडेशन। लेकिन एक समाज के लिए मैं संदेश जरूर यहाँ पर देना चाहूँगी कि एक तरफ महिला को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ समाज का एक ऐसी बुराई है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। और यहाँ पे जितनी भी नारी शक्ति बैठी हुई थी मैं उनको ये संदेश जरूर देना चाहूँगी कि बेटे की आड़ में बेटियों को मत मारें। और ये जो सोच है और आज इस आधार फाउंडेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और एक संकल्प लें कि आज हम लोग ये समाज में जो कुप्रथा फैली हुई है इसको हटा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट विशेज, बड़ी शुभकामनाएँ आधार फाउंडेशन के साथ है। जय हिंद। हाय, दिस इज़ सना चिंदूक। आज मैं यहाँ गुरु नानक भवन में आई हूँ एक इवेंट के लिए। आधार फाउंडेशन और रविनंदन जी ने एक इवेंट कराया है और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे आके, बिकॉज हमारा एक गर्ल चाइल्ड का जो प्रॉब्लम है उसके लिए उनका ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो दैट हमारे इंडिया में जितनी वुमेन हैं जो बहुत कुछ कर रही हैं उनको वो सम्मानित कर रहे हैं विद वुमेन अचीवर अवार्ड्स। एंड मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और हमारी इंडिया की जितनी भी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दे रही हैं, उनको ऐसे अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई एम आकांक्षा बजाज। थैंक यू आधार फाउंडेशन फॉर ट्रस्टिंग मी एंड माई वर्क, एंड थैंक यू टू बोथ माई मदर्स, दे आर माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। I will always be thankful to my mothers for supporting me. Thank you. Well, this award function was very, very special because I got to meet such inspiring women, and I think that every woman deserves equal amount of respect. हमारे साथ हैं काउंसलर ममता आशु जी, जो आज के समारोह में मुख्य मेहमान के तौर पर पधारी। तो आज का कैसा लगा ये समारोह, नारियों को इतनियों को ऑनर किया जाना यहाँ पर? आज यहाँ आधार द फाउंडेशन, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर अभिनंदन शर्मा और सोनिया शर्मा हैं, उनके फंक्शन में आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों से इनके साथ मैं खुद एसोसिएट हूँ और इन्होंने आज उन महिलाओं को सम्मानित किया है जो सोसाइटी के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल, जो एनजीओज हैं उनको भी इन्होंने ऑनर किया है। तो इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी सारी लोगों में से उन व्यक्तियों को चुनना जो असल में समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ये भी एक सराहनीय कदम है। तो इसके लिए भी इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और परमात्मा के आगे ये अरदास करती हूँ कि ऐसी कृपा इन पर बनाए रखें। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आधार दी फाउंडेशन जैसी संस्थाएं नारी शक्ति जैसे अवार्ड फंक्शन करवाती हैं तो इससे नारियों में जहां उत्साह बढ़ेगा, वहीं आने वाले समय में वो और ज़्यादा तेज़ी से समाज सेवा के कार्य कर सकेगी। लव सिद्धू, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।